नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी भाई बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल के आज शाम के इस वीडियो में। और आज का वीडियो यदि आपको पसंद आए तो जरूर लाइक करना और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, अपनी बहनों को भी चैनल से जोड़िए। और आप खुद भी यदि वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नहीं दबाई है, यानी चैनल से अभी तक आप जुड़े नहीं है तो सब्सक्राइब करिए। रेड कलर का नीचे लिखा होता है नोटिफिकेशन बेल बन करके आएगी, उसको अपनी ऑल पर कर लीजिए। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बता दें आपको, नई शिक्षा नीति के बारे में आप लोगों को जानकारी लेकर के आए हैं। आंगनबाड़ी में इसी से प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू होंगी, ऐसा चर्चाओं में सुनने को आ रहा है। तो खबर आपकी कोई न छूटे, ऑल इंडिया इसी उम्मीद के साथ आप लोगों तक ये प्री प्राइमरी की बड़ी खबर, प्राइमरी की कक्षाओं पर लेकर के जो चर्चाएं चल रही है उसके बारे में देखें। इसके बाद और भी खबरें हैं वो भी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी, तो पूरा लास्ट तक जरूर देखना। बढ़ते हैं खबर की तरफ। लिखा हुआ है मांगे भी यहां पर कुछ हैं, जैसे कि उन मांगों के बारे में भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आंगनबाड़ी की प्री प्राइमरी जो कक्षाएं हैं उनके ऊपर थोड़ा फोकस आप सब भाई बहन अपना अपना कर लीजिए। लिखा है इस शैक्षिक सत्र से प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे पढ़ाई भी करेंगे। कौन सा प्रदेश? उत्तर प्रदेश। यहां पे लिखा है यहां जो है प्री प्राइमरी कक्षाएं इसी सत्र से शुरू की जा सकती हैं। वहीं प्रदेश के सभी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्राओं को रोजगार परक कंप्यूटर ट्रेनिंग भी देने की योजना है। साथ ही आपको बता दें, लिखा है राज्य सरकार ने यह प्रस्ताव जो है वार्षिक कार्ययोजना की बैठक में केंद्र को भेजे हैं। प्रदेश में 1,25,000 जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं आपके उत्तर प्रदेश में टोटल, तो ऐसे में बताया जा रहा है इनमें से आपके लगभग 75,000 आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जो बेसिक शिक्षा वाले जो स्कूल चल रहे हैं प्राथमिक विद्यालय उन्हीं के परिसर में जो है आंगनबाड़ी के केंद्र पास ही में बिल्कुल जस्ट जो है लग करके चल रहे हैं। तो ऐसे में वहां पर बताया जा रहा है पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने इस मद में आप लोगों को बता दें राज्य को 17 करोड़ रुपए दिए हैं। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को पिछले सत्र में 17 करोड़ रुपए किस चीज के लिए दिए हैं वो आप लोग देख लीजिए, प्री प्राइमरी कक्षा में बदलने के लिए जरूरत की जो चीजें होंगी उसके लिए। जैसे कि आपको बता दें ये बजट प्री प्राइमरी के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए था, तो 17 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को सौंपे थे वो प्री प्राइमरी के पाठ्यक्रम को लेकर के थे। लेकिन अभी तक पाठ्यक्रम तैयार करने की बातें आई थी लेकिन प्री प्राइमरी लागू नहीं हुआ है। देखते हैं क्या इस सत्र में सरकार लागू कर पाएगी, जैसा सुर्खियों में आ रहा है कि इसी सत्र से लागू कर देंगे। आगे लिखा है इसकी जिम्मेदारी जो है आपकी SCERT वगैरह, लिखा हुआ SCERT वगैरह, तो उसको सौंपी गई थी, उन्हीं के ऊपर जो है नया पाठ्यक्रम तैयार करने की जिम्मेदारी थी। एक वीडियो बहुत ही पहले कुछ महीनों पहले मैंने डाला था इसी चीज को लेकर के। आगे लिखा है आंगनबाड़ी में यूनिसेफ द्वारा दी जाने वाली पुस्तिका पहल में लिखा हुआ है जो है परिवर्तन कर इसे प्री प्राइमरी के लिए तैयार किया गया है। आंगनबाड़ी में 3 से 5 से 6 लिखा, 3 से और यहां से 5 से जो आपके 6 वर्ष तक के जो बच्चे जाते हैं, यानी मैं आपको साफ शब्दों में बता दूं आंगनबाड़ी में 3 से 6 वर्ष के बच्चे आते हैं उनके लिए बातें लिखा है। 5.5 साल तक के बच्चों को प्री प्राइमरी जो है स्कूलों में यहां पर प्रवेश दिया जाता है। लिहाजा नई शिक्षा नीति में लिखा हुआ है तय किया गया है कि 3 वर्ष से बच्चों को प्ले ग्रुप के तौर पर पढ़ाया जाएगा। तो 3 वर्ष से जो बच्चे हो जाएंगे ना तो अब वो प्ले ग्रुप की पढ़ाई करेंगे। तो अब आंगनबाड़ी में जो प्री प्राइमरी चल रहा है वो प्ले ग्रुप की भी पढ़ाई आप बोल सकते हो। आगे लिखा है वही कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में कंप्यूटर ट्रेनिंग का भी प्रस्ताव इस बार केंद्र द्वारा जो है भेजा जा रहा है। साथ ही लिखा है प्रदेश में 746 जो है KGBV वगैरह है और इसके साथ ही सभी KGV को जो है 12वीं तक उच्चीकृत वगैरह करने के लिए भी मांग की गई है। अभी 350 KGBV के लिए मंजूरी वगैरह दी गई है। इनमें 229 जो है वो ऐसे हैं जहां पर 3 किलोमीटर के अंदर सरकारी या फिर आपके एडेड इंटर कॉलेज वगैरह हैं वो वहां पर छात्राओं को यहां प्रवेश दिया जाता है, लेकिन छात्रावास की सुविधा मौजूदा जो है KGB वगैरह में होगी। तो ऐसे में ये कुछ बदलाव और मांगे जो हैं आपकी स्क्रीन पर, मुख्य मांगे में लिखा है हर स्कूल के लिए फर्नीचर, नवाचार के लिए प्रस्ताव, हर स्कूल में लाइब्रेरी भी हो और दक्षिणा ऐप के लिए कंटेंट सेल और हर क्लासरूम में प्रिंट व प्रिंटर वगैरह मटेरियल, तो फोटोकॉपी हो पाए उसके लिए प्रिंटर के लिए मटेरियल भी होना अनिवार्य किया गया है। तो ऐसे में ये कुछ जानकारी आंगनबाड़ी प्री प्राइमरी से जुड़ी इस पोस्ट में आप लोगों को देखने को मिली। एक और हमारे पास पोस्ट है, इस पोस्ट में आंगनबाड़ी बहनों लिख करके ये आ रहा है तमाम अलग अलग न्यूज़पेपर के माध्यम से अलग अलग छपी हुई जानकारी, ताकि आप लोगों को बढ़िया यहां पर जानकारी मिल पाए। इसमें लिखा है इस शैक्षिक सत्र में प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे जो है पढ़ाई भी करेंगे। यहां भी प्री प्राइमरी कक्षाएं इसी सत्र शुरू की जा सकती है। वहीं प्रदेश के सभी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों की छात्राओं को रोजगार परक कंप्यूटर ट्रेनिंग देने की भी योजना है। लिखा है बैठक में केंद्र को जो है प्रदेश सरकार
सरकार को जो है केंद्र सरकार ने एक जो है 1,25,00,000 रुपए भी पहले ही जो है जितने आंगनबाड़ी केंद्र थे उनके लिए 17 करोड़ रुपए सॉरी भेज दिए। तो आपके आंगनबाड़ी केंद्र टोटल है 1,25,000 जिनमें 75,000 आपके सरकारी विद्यालयों में है यानी कि आपके प्राथमिक विद्यालयों से जुड़ करके चल रहे हैं उनके लिए 17 करोड़ रुपए का बजट भेजा गया था। अब इसी चीज को लेकर के आप लोगों का नया पाठ्यक्रम भी तैयार हो चुका है तो वो पाठ्यक्रम आपका देखते कब तक सरकार लागू कर पाती है क्योंकि यहां पर बाल विकास विभाग तमाम लापरवाहियों का शिकार रहता है। जैसे प्रमोशन को लेकर के 2017 से आज तक प्रमोशन की प्रक्रिया बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश में पूरी नहीं कर पाया है। भर्ती 10 साल से उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी की बाल विकास विभाग नहीं निकाल पाया है तो ऐसे में बाल विकास को हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में लापरवाहियों से घिरा है। तभी तो आप लोग बता दें वरना 2017 से 2020 आ चुका तमाम आंगनबाड़ी वर्कर ऐसी है जिनकी डेट निकल चुकी है इसी उम्मीद में वो जी रही थी कि 4,000 की नौकरी है कभी प्रमोशन हो जाएगा तो 40-50,000 मिल जाएंगे तो इसके चक्कर में उनका पूरा जीवन व्यतीत हो गया निकल गया अब उनकी जो है डेट भी निकल गई। बहुत सी बहनें इसका लाभ प्रमोशन का नहीं ले पाएंगी और अभी भी प्रमोशन की प्रक्रिया पता नहीं कब तक कितनी लंबी खिंचेगी इसका भी आंगनबाड़ी वर्करों का जो है सवाल एक बार ऑल इंडिया से बना ही रहता है। आगे सुनंदा तिवारी बहन है उनके द्वारा भेजी गई कुछ तस्वीरें। विजयीपुर परियोजना में आंगनबाड़ी आशा एनएम वगैरह की निगरानी समिति की बैठक वगैरह संपन्न की गई आपकी स्क्रीन पर आंगनबाड़ी वर्कर बहनें दिख रही हैं तो वहां से आप देख सकते हो आज 11 मई की ये तस्वीर थी। नीचे एक और तस्वीर उन्होंने भेजी है प्रवासी लोग हैं फतेहपुर जिला अस्पताल में जांच करवाने के लिए जा रहे हैं कितनी लंबी लाइन लगी इससे आप सब अंदाजा लगा सकते हो कि इससे संक्रमण घटेगा नहीं उल्टा बढ़ रहा है। तो यहां पर आप लोगों को बता दें कल के जो केस आए हैं अपने टोटल इंडिया में वो आपके 4,000 से ऊपर हैं लगभग 4,300 या 4,400 के समथिंग एक दिन में कल नए केस आए थे। तो आगे हमारे पास अगला लेटर लगा हुआ आपको बता दें यहां पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी है जनपद कन्नौज वगैरह से जारी लेटर है और किसके लिए है जनपद हरदोई के लिए। तो कन्नौज जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो हरदोई के उनको लेटर भेजा है और लेटर कुछ ऐसा है कि 2 कोरोना के केस जो है आपके हरदोई जनपद में निकल के आए हैं। जो भी भाई बहन हरदोई से वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये सनसनी वाली खबर है। तो ऐसे में बता दूं आपका मुकीम खान है और तौफीक खान है ग्राम पहला मुकीम खान जो है ग्राम मटिया माऊ ब्लॉक वगैरह माधवगंज पड़ता है जिला हरदोई में और अगला जो है मरीज वो है ग्राम दिवाली ब्लॉक बिलग्राम पड़ता है जिला हरदोई। तो 2 ब्लॉक आपके एक बिलग्राम और एक आपका माधवगंज इन दोनों ब्लॉकों के 2 मरीज जो है हरदोई जनपद को लेकर के काफी मुसीबत वाली चीजें हो चुकी हैं। तो जो भी भाई बहन है खैर मैं भी हरदोई से ही हूं आगे चलते फिलहाल के मैंने सोचा आज मैंने हरदोई की खबर दी कभी भी हरदोई से खबर नहीं आती है ताकि ये लोग ये ना कहें कि जहां से आप हैं अपने ही क्षेत्र की खबरें देते फिरते हैं। अगली खबर पर चलते हैं पूनम बहन की आवाज आप देख सकते हो यहां पर एक बहुत ही उनका मैसेज तो कहने में उनके अनुसार ठीक है लेकिन इससे ये पता चलता है कि आंगनबाड़ी बहनों आप जो है आगे बढ़ने की उम्मीद छोड़ रही हो। उनका मैसेज है वो कहना चाहती है कि आंगनबाड़ी वर्कर समाज सेविका है समाज सेवी के साथ ऐसा होना आम बात है टीचर के साथ ऐसा क्यों नहीं होता 3,000 का काम नहीं करता है और मिलता है 30,000 सरकार भी डरती है ऑफिसर भी डरती है लगता है महिला होने के चलते शोषण के जो है विरुद्ध अधिकारी भी जो है इसी में जो है लागू नहीं है और ऐसे ही कुछ लिखा है रास्ते का जो पत्थर किस्मत ने जो है मुझे बना दिया ये कुछ एक गाने जैसा है उनका कहना है उसी की जो है याद उनको महसूस कराता है। इसमें ये भी कहना है कि वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला क्योंकि यूनिटी और इंटीग्रिटी वगैरह है ही नहीं। तो कहना उनका यह है कि वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा मैं भी जानता हूं वीडियो देखने से मान लेते कुछ नहीं होगा तो हाथ पर हाथ धरे रखने से या बैठे रहने से क्या कुछ हो जाएगा। वीडियो देखने से आंगनबाड़ी की कम से कम समस्या उठ रही है कम से कम एक पॉजिटिव थिंकिंग आ रही है कि हाँ आंगनबाड़ी वर्कर अपनी समस्याओं को लेकर के आगे बढ़ रही है। जब तक प्यासा कुएं के पास नहीं जाता क्या कुआं उसके प्यासे के पास चलकर के आ जाता है। तो हमें प्यास लगी है जरूरत हमको है समस्या हमारे पास है हम सब आंगनबाड़ी की है तो हमें अपनी समस्याओं को लेकर के सरकार तक पहुंचानी है उसके लिए हमें प्रयास करते रहने होंगे आवाज उठाती रहनी होगी। रही बात यूनिटी बढ़ाने की तो शायद आप नहीं जानते हो ऑल इंडिया पिछले 2 साल से कर क्या रहा है। ये 2 लाख आंगनबाड़ी जो आपके ऑल इंडिया पर दिख रही है ये यूनिटी नहीं तो और क्या है। आज इतनी आंगनबाड़ी वर्कर एक मंच पर जुड़ी हुई है ये यूनिटी नहीं तो और क्या है। देखते ही देखते 1-2 साल में हम तो चाहते हैं जितनी जल्दी हो सके आंगनबाड़ी वर्कर जुड़ जाएं तो अच्छा रहेगा एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर रहेंगी हर एक जानकारी हर आंगनबाड़ी के पास एक बार में पहुंचेगी और अपने मानदेय उठाने की आवाज को जब भी धरना होगा तो हर आंगनबाड़ी तक एक ही बार में उनकी जो है सारी प्रतिक्रियाएं सारी जानकारी पहुंचती रहेगी तो मुझे लगता है आवाज उठाने में बहुत मदद मिलेगी। तो हम तो इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि आज नहीं तो कल
ताकत बढ़ेगी ऑल इंडिया की, तो सरकार को भी जो यहाँ पर झुकना पड़ेगा और सरकार भी आंगनबाड़ी की समस्याओं पर कभी ना कभी तो गौर करेगी। फिलहाल के लिए हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। आंगनबाड़ी बहुत सी बहनें जिनको उम्मीदें हैं, जो सोचती है कि वीडियो आने से उनको पहली बात तो सही सच्ची खबर मिलती है, सबसे बड़ा मुद्दा ये। दूसरी, ताकत बढ़ ही रही है, यूनिटी बढ़ रही है, ये एकता ही हम बढ़ाने का काम करें। मेरा मेन जो उद्देश्य है वो यही है कि एकता बढ़े। अगला यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास जो मैसेज है, नीतू कुमारी बहन है, ये उनके वहां की कुछ तस्वीरें उन्होंने हमें भेज रखी है, 14 से ज्यादा कुछ तस्वीरें हैं। कह रहा नमस्ते भैया, और मैं आपका हर न्यूज प्रतिदिन देखती हूँ, न्यूज चैनल दिखाने के लिए धन्यवाद। और कहना चाहती है नीतू कुमारी आंगनबाड़ी सेविका, कोड 199 ग्राम मंझोली थाना विक्रम जिला पटना राज्य बिहार की स्थायी निवासी हूँ और 20/9/2017 में बहाल किया, ज्वाइनिंग वगैरह उनकी 28/3/2018 में दोबारा हुई है। मैं आपसे अनुरोध की हूँ कि ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज दिखाने की कृपा करें। तो उनके आपके चैनल आपकी खबर यानी ऑल इंडिया पर बहन आ चुकी है। आगे कुछ और भी तस्वीरें उन्होंने भेजी है, लेकिन ये हाल फिलहाल की ना हो तो अच्छा है, पुरानी तस्वीरें होनी चाहिए, क्योंकि अभी आप जिस तरीके से बहन बैठी है, बच्चों को खाना खिलाया जा रहा है, वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। तो ऐसे में कोई भी बहन इस तरह का भी फोटो फिलहाल के लिए शेयर ना करे। आगे आपको बताना चाहेंगे, मीतू बहन है, उनका एक समस्या, उनकी एक पोस्ट यहां पर आप लोगों को हमने दिखाया था, मीतू बहन का एक लेटर कल के आज सुबह के ही वीडियो में दिखाया था, जिसमें आंगनबाड़ी मीतू बहन को जो है यहां पर जो कहा जा रहा था जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए। तो ऐसे में उन्होंने शिकायत की थी, उनके साथ जो भी हुआ था, दबंग लोग जो थे कुछ लोग, उनके खिलाफ उन्होंने जो है रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लेकिन यहां पर उनका कहना, ये एप्लीकेशन 2 से 3 बार पुलिस स्टेशन में भी वो दे चुकी हैं और हेल्पलाइन जो नंबर है 1076 उस पर भी वो 2 बार कंप्लेन कर चुकी हैं, लेकिन फिर भी किसी ने अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया है। तो ये है हमारे देश की जो है व्यवस्था, महिलाएं जब आवाज उठाती हैं महिला सशक्तिकरण के नाम पर, तो यहां पर सरकारें सिर्फ झूठे आश्वासन देती हैं और आंगनबाड़ी बहनों की आवाज को जो है एक तरफ साइड में रख देते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। आंगनबाड़ी ने बताइए 2-3 बार ऐसे एप्लीकेशन भेजी है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। आगे बताना चाहेंगे, मीनू गुप्ता बहन है, उनका भी मैसेज है, पूनम रानी परवीन जहां, घर घर का सर्वे करते हुए टांडा रामपुर से आंगनबाड़ी बहन की ये तस्वीर। आगे यहां पर देख सकते हो टेक होम राशन प्रणाली शुरू हो चुकी है देवली मांझी में, एक आप लोगों के लिए घर घर जो है पोषाहार देती है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की तस्वीर आप देख सकते हो। यहां पर आपको बता दें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मीनाक्षी शर्मा है, उन्होंने बताया कि गर्भवती महिला को 3 किलो गेहूं, वह जो है 6 माह से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए 2 किलो गेहूं का वितरण उन्होंने अपने वहां पर शुरू किया है देवली मांझी में। आंगनबाड़ी केंद्र बंद होने से यह सामग्री स्कूल द्वारा उपलब्ध करवाई गई है, तो वहां पर प्राथमिक स्कूल वाले ये सामग्री दे रहे हैं और ये उनके घर घर जाकर के बहन हैंड ओवर कर रही है, जितने भी गर्भवती महिलाएं हैं उनके घर। तो यहां पर आप देख सकते हो। आगे बताना चाहेंगे, गोद में मासूम, कंधों पर सर्वे की जिम्मेदारी, देख सकते हो आप आंगनबाड़ी बहनों की मेहनत, बच्चे को लेकर सर्वे करती है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहने, देख सकते हो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी गोद में अपना बच्चा लेकर के बेचारी इधर उधर जा रही है। तो बहुत समस्याएं हैं इसमें, बता दें आपको कुंदनपुर से यह खबर छपी है, इन दिनों कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, सर्वे में लगी कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो अपने बच्चों को गोद में थामे भीषण गर्मी में जिम्मेदारी को पूरा कर रही है। ऐसे ही एक कर्मिक है डंडिया गांव की रिंकू बैरवा, तो रिंकू गांव की जो बहन ये हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, वह घर घर जाकर मरीजों की जानकारी एवं सर्वे में जुटी हुई है और रिंकू का परिवार खेती कार्य में व्यस्त है, ऐसे में मासूम बच्चों को घर पर ही नहीं छोड़ सकती, ऐसे में 1.5 साल की मासूम बच्ची को गोद में उठाकर निकल पड़ती हैं। फिर भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं यशोदा माँ, और आप यशोदा माँ को बस टाइटल देकर के वोट लेकर के उसके बाद आप भूल जाते हो, उसके बाद आपको फिक्र नहीं रहती पैसा बढ़ाना है या इनकी आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार करना है। तो इन सब चीजों को बस देखा जाए तो राजनीति ही राजनीति चारों तरफ चल रही है। आंगनबाड़ी की समस्याएं ऑल इंडिया के माध्यम से रात दिन उठ रही है, लेकिन उस पर एक्शन कोई भी नहीं हो रहा है। आगे आप लोगों को ले चलते हैं अगली पोस्ट पर, ये एक और हमारे पास पोस्ट आई है नीता बहन की तरफ से, लिखा है सब लोग अपने अपने घर पर ही हैं और उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। आप लोगों को बता दूं जो प्रवासी लोग इधर उधर से भाग करके अपने अपने गांव आ रहे हैं, सरकार ला रही है उनकी व्यवस्था के लिए, प्राथमिक विद्यालयों में उनको रहने खाने पीने की व्यवस्था करनी चाहिए थी, प्रधानों को बिल वाउचर समेत पैसे का भुगतान सरकार करेगी, लेकिन काफी जगह चीजें देखने को नहीं मिल रही है। आजमगढ़ से हमारी आंगनबाड़ी बहन थी अनीता, उनके द्वारा भेजी गई जानकारी। माधुरी गुप्ता बहन ने भी ये फोटो भेजी है, क्वारंटीन सेंटर ड्यूटी पर है माधुरी, कल्याणी वगैरह, आशा सेक्रेटरी वगैरह, रोज ग्राम सेवक वगैरह भी है, प्रधान शिक्षा और मित्र वगैरह भी वहां पर, सफाई कर्मचारी भी हैं और लिस्ट वगैरह भी उन्होंने भेजी है। तो उनके वहां पर पूरी तरीके से पालन हर चीजों का हो रहा है, ऐसे जहां जहां देखने को मिलता है बड़ी खुशी होती, कम से कम कुछ जगह अधिकारी हर कामों की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आगे यहां पर देख सकते हो भैया जी, गांव में तो जो है जनता बाहर घूम रही है, आंगनबाड़ी समझा भी रही है और दूरी बनाकर रहो फिर भी नहीं मानती है, और जब वह आपस में मिलजुल कर रहे हैं और बाहर भी घूम रहे हैं तो क्या सेंटर पर आकर पोषाहार नहीं ले सकते? सरकार की मंशा कुछ समझ में नहीं आ रही है, आंगनबाड़ी ही सबसे कमजोर कड़ी रह गई है।
और उसी को सब मिलकर दबा रहे हैं। बिल्कुल बढ़िया बात कही है हमारी बहन ने, लेकिन बहनों ये आवाज आपकी उठती रहेगी, आज नहीं तो कल कभी ना कभी किसी न किसी के माध्यम से ये आवाज दूर तक जाएगी। जैसे ईटीवी से आपके जो अब राजन त्यागी भाई हैं उनके बारे में बताया था, वो भी ऑल इंडिया पर छपने वाली जो खबरें रहती हैं कभी कभी यहां से भी वो आवाज को देखते हुए अपने चैनल के माध्यम से भी उठाने का प्रयास कर देते हैं। आगे आपको बताना चाहेंगे, ये भी देख सकते हो लिखा है, सर जी आप आंगनबाड़ी को घर घर जाने के कार्य बंद करवाने का कष्ट करें, सर्वे के अलावा अन्य जो भी कार्य हो समाचार पत्रों में प्रकाशित कराए जाएं, जैसे कि अन्य कार्यालय के लिए जो है लिखा हुआ जनता जागरूक है तो आंगनबाड़ी केंद्र के लिए नहीं हो सकती, जिला दिनोरी वगैरह मध्य प्रदेश से आंगनबाड़ी बहन कहना चाहती। तो बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन हमारे हाथ में होता तो बहनों आप लोगों पर ऐसे काम कभी नहीं आते। आगे बताना चाहेंगे, ये हमारे पास एक और मैसेज आया, उस्मान भाई जी हैं उनकी तरफ से आया है, जैसा कि आप देख सकते हो टीकाकरण वगैरह भी उनके वहां पर किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से हैं जैसा कि आप देख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को बताना चाहेंगे एक और हमारे पास मैसेज है, अनीता जो बहन है आपकी और हमीरपुर से है, उत्तर प्रदेश से है, और वहां से उन्होंने एक तस्वीर भेजी है जो अपना पोषाहार लाभार्थियों के घर घर जाकर के वो दे रही है। अगली फोटो जो आई है अनीता दीदी बहन की तरफ से, ये और भी कुछ तस्वीरें हैं वो भी आप देख सकते हो। और आगे ले चलते हैं, आप लोगों को बता दें एक और फोटो आई है, ये है आपकी उर्मिक के नाम से नंबर से हुआ, जिसमें लिखा है आप ही तो है जो छोटे कर्मचारियों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराते हुए उर्मिला कुमारी बहन है, और आपका चौधरी पुरवा बंकी बाराबंकी से आप देख सकते हो, ये उन्होंने मैसेज लिख करके हमें भेजा है। आगे आप लोगों को ले चलते हैं, अगली भाई बहन का मैसेज दिखाते हैं, यहां पर लगा है क्या उत्तर प्रदेश का मानदेय आपको पता है, कब तक आएगा जिला बदायूं परियोजना उझानी, नाम शशि शेखर, आपकी मेहनत और हमारी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वगैरह ये करते हैं। तो बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद मैंने लिख करके भाई को भेजा है, जो भी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी यही संदेश है, लिखा है भाई जी मानदेय भेजने की तारीख होती है 1 से 7 तारीख, आप सबको पता है, और बता दें उसी के अनुसार आपको बताना चाहेंगे 7 तारीख जो है नियम के अनुसार अगले माह के प्रथम सप्ताह में जो है आना चाहिए, पर कभी नियम अनुसार आज तक नहीं आया पैसा, हमेशा अलग अलग तारीख में आया है, थोड़ा इंतजार कर लो, हमेशा की तरह जब डल जाएगा निदेशालय से तो मैं चैनल पर बता दूंगा। तो आप लोगों को बता दें, आप सब जानते हो, हमेशा से जानते हो कभी भी समय पर पैसा नहीं आया है, समय नियम ये कहता है कि 1 से 7 दिन के अंदर पैसा आ जाना चाहिए प्रथम सप्ताह में, लेकिन नहीं आता है, कभी भी नहीं आया, एक आध बार को छोड़ करके अक्सर जो है लेट ही आता है, कभी 12 कभी 14 कभी 15 कभी 18 कभी एक एक महीना गुजर जाता है, अगले महीने के फिर अगले महीने में आता है, तो जैसे ही आएगा आप लोगों को भेज देंगे, क्योंकि मानदेय की ये समस्या निदेशालय के अधिकारी शायद समझ नहीं रहे हैं आंगनबाड़ी को कितनी परेशानियां उठानी पड़ रही है। फिलहाल के लिए आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना। एक और मैसेज लगा, लिखा है भाई जी आप बिल्कुल सही खबर देते हो, भाई जी हम लोग व्हाट्सएप करके MPR देना चाहते हैं पर सुपरवाइजर कहती है कि ऑफिस में भेजो, अब आप बताएं भाई जी जो है ऐसे में हम लोग क्या करें और कहां जाएं, जो है पुलिस वगैरह के जो है डंडे खाएं कि बाहर जाएं, तो गांव से जो है 13 किलोमीटर है ऑफिस, और आप तो सच्ची खबर देते हैं भाई, हम सुबह शाम दोनों टाइम अगर आपके वीडियो देखते हैं तो वो जानना चाहते क्या वो करें, अब बताओ खुद ही, सभी भाई बहन सोचे, हमारे बाल विकास के अधिकारी या जहां तक जो भी वीडियो देख रहा हो, 13 किलोमीटर आंगनबाड़ी पैदल जाकर के वहां पर MPR की रिपोर्ट देने जाएंगी, कैसे सब कुछ संभव हो सकता है। तो ये अभी बाल विकास वाले सोचे, या आपके वहां पर और भी बहनें जो देख रही हूं आपके पास MPR का फॉर्म नहीं है तो आप ऐसा करें, आपकी जो संपर्क की आंगनबाड़ी वर्कर है उनसे उनका कोरा जो MPR की फीडिंग का जो बिल वाउचर टाइप का, यानी कि जो फॉर्म होता है ना, उस फॉर्म की फोटोकॉपी जो है अपने व्हाट्सएप पर मांग लीजिए PDF के माध्यम से, फिर उसको आप अपने यहां पर जो है भर लीजिए या किसी तरीके से भरिए, लेकिन वो भी आप निकलवा नहीं सकते, अपने गांव में यदि प्रिंटर होगा तभी आंगनबाड़ी निकलवा पाएंगी, समस्या बहुत बड़ी है, ये चीजों को सरकार हमारे पूरे विभाग को समझना होगा, या फिर सरकार विभाग तो बिल्कुल नहीं समझेगा, हम सब आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, क्योंकि उनका काम है काम हो, हमसे लेना देना नहीं, अधिकारी सीधा यही कहता है। तो आंगनबाड़ी बहनों आप भी कम से कम अपनी थोड़ी हिम्मत दिखाओ, कह दो हमसे भी कोई मतलब नहीं है, हम आखिर कहां से लाएंगे जो सब कुछ बंद है, तो जो करना है आप वो करिए, जो हो सकता है वही किया जा सकता है, जो नहीं हो सकता उसे हम कैसे कर सकते हैं, तो थोड़ा आप भी जो है थोड़ी अपनी बुद्धि को लगाओ और थोड़ा जो है अपना रुख अपनाओ। धन्यवाद।